हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो हमने क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट दोनों के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेजर तौर पे ये शॉर्ट वीडियो जो है क्रिस्प एंड शॉर्ट, इनका मतलब देख लेना कि है क्या, डिफरेंस क्या है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इनकलकेट लर्निंग को। बहुत जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करने की ट्राई करेंगे ताकि कम टाइम में ये टॉपिक कवर हो सके। CPM क्या है? देखिए, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जहां पे वेल डिफाइंड एक्टिविटीज जो है वो हमें मिलेंगी। PERT भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही टेक्निक है, जहां पे हम इवेल्युएशन और रिव्यू करते हैं। फुल फॉर्म क्या रहेगी? पी से प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यहां पे रहेगी क्रिटिकल पाथ मेथड। ये भी क्या होता है, यू मैनेज प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है, बट कुछ एक अनसर्टेन एक्टिविटीज होती हैं जिसको पता करने के लिए या जिनको जो मैनेज करने के लिए हम PERT का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, इट इज इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड एडवांसिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली वही है कि कैसे हम टाइम पे, कॉस्ट पे, इन सारी चीजों पे फोकस करके जल्दी से चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे परफॉर्मेंस को। PERT क्या है? एक शेड्यूलिंग टूल है जो कि एक पूरा नेटवर्क डायग्राम हमें देगा, और वो नेटवर्क डायग्राम पर्टिकुलर टाइम, तो ये टाइम फोकस्ड मेथड ज्यादा है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली हमें पूरे कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है CPM क्या, हमने बोला ना वेल डिफाइंड एक्टिविटीज होती हैं इसमें, सो ये डिटरमिनिस्टिक है नेचर में, यानी पर्टिकुलरली हमें चीजें बताएं ऐसे 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 होनी है। PERT जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है नेचर में, यानी हमें अनसर्टेन एक्टिविटीज होती हैं कई बार, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कितना होगा, तभी हम उसको देखते हैं ना कि प्रिडिक्शन हमें करनी पड़ती है कि कैसे होंगी चीजें। सो ये प्रोबेबिलिस्टिक है नेचर में। CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, PERT जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है, हम पर्टिकुलर फ्लो चार्ट बनाते हैं। CPM क्या है, एक सीक्वेंस दिखाता है हमें एक्टिविटीज की विद इन द PERT नेटवर्क, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। कई बार हम PERT के अंदर भी कोई क्रिटिकल पाथ ढूंढने की ट्राई करते हैं, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको यानी जिस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्रिटिकल पाथ होगा हमारा। ये हमने CPM में बात की थी। PERT क्या है, एक टेक्निक है यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स दैट अकर वन और रिलेटिवली फ्यू टाइम्स दैट हैज अ डेफिनेट स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट। सो इसमें क्या होता है, डेफिनेट स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट होता है, जिसकी वजह से टाइम के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है कि कब शुरू किया और कब खत्म होगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह ये इवॉल्व हुआ है, PERT जो है वो एक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह हुआ है, और ये फोकस करता है टाइम के ऊपर। CPM फोकस करता है कि कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, और टाइम के साथ साथ, यानी कॉस्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा, PERT का फोकस मेजरली टाइम पे रहेगा। CPM में हम एक क्रिटिकल पाथ देखते हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज देखते हैं, यहाँ पे हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। CPM क्या रहेगा, नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे मैंने घर बनाने का एग्जांपल दिया था, तो कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, इस तरीके के एग्जांपल्स में हम CPM यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। PERT क्या है, कंपैरेटिवली इजी है, और रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां इसका यूज ज्यादा किया जाता है। सो ये सब चीजें मोटे तौर पे आप याद रखिएगा, एटलीस्ट याद रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों की कंप्लीट वीडियो जो है, डिस्क्राइब्ड डिटेल्ड वीडियो, वो देख लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट में बॉक्स में पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और अगर समझ आ गया है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.